अब बात राकेश बारिया की और मिस्ट्री की, उनको हटाने की, उनको हटाना अपने आप में एक मिस्ट्री बन गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि राकेश मारिया का समय से पहले ट्रांसफर क्यों किया गया? क्या पीटर मुखर्जी के आर्थिक लेनदेन और बही खातों की जांच करने की वजह से मारिया की कुर्सी गई? ये सवाल खड़ा हो रहा, देखिए क्यों। शीना मर्डर केस के खुलासे से पहले अब बड़ा सवाल यही बन गया है कि राकेश मारिया को क्यों हटाया। दरअसल एक दिन पहले तक खबर थी कि पीटर से कथित संबंध राकेश मारिया को हटाने की वजह हो सकते हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पीटर के आर्थिक लेनदेन की जड़ों तक राकेश मारिया पहुंच सकते थे और मारिया को हटाने की ये वजह हो सकती है। एनसीबी भी इसी ओर इशारा कर रही है। 22 दिन पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस को पदोन्नति देकर हटाने का मामला शक के घेरे में है। ये फैसला दिल्ली के दबाव में मुख्यमंत्री जी कर जापान के लिए निकल लिए। हमें जानकारी है कि विदेशी कंपनियां जिन्होंने 500 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, मामला उस तरफ जा रहा था। सूत्र बताते हैं कि शीना की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए राकेश मारिया ने खुद पीटर मुखर्जी से आर्थिक मामलों को लेकर पूछताछ की थी। इस पूछताछ में राकेश मारिया के सामने कुछ गड़बड़ियां आईं और तभी राकेश मारिया ने इसकी जांच के लिए ईडी और इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखी। शीना मर्डर केस की जांच करते हुए राकेश मारिया आईएनएक्स कंपनी में हुई गड़बड़ियों की जांच भी करने जा रहे थे। सूत्र बताते हैं कि इस जांच में एक बड़े उद्योगपति और कुछ राजनेताओं के नाम भी सामने आ सकते थे। सवाल ये है कि क्या इसलिए जल्दबाजी में मारिया को वक्त से पहले पद से हटाया गया। प्रवर्तन निदेशालय पीटर मुखर्जी के आर्थिक लेनदेन की जांच करने जा रही है। मुंबई पुलिस ने चिट्ठी लिखकर ईडी को जांच में शामिल होने को कहा था, जिसके बाद ईडी ने एक टीम बना दी है। इस बीच मुंबई पुलिस ने चिट्ठी लिखकर राकेश मारिया को जांच की निगरानी करने को कहा है। दरअसल मारिया ने शीना केस की जांच से इनकार करते हुए कहा था कि शासन से जब तक लिखित में नहीं आता तब तक जांच नहीं करेंगे। इस बीच मारिया के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि तबादले के पीछे आईपीएस लॉबी का हाथ है। लेकिन बड़ा आरोप वो जो एनसीपी लगा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ केस जा रहा था इसलिए हटाया गया। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।